जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HAL ट्रिकी जीके क्लास में। हम चर्चा करेंगे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वही बात करें, एकलर ने सन 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था। तो कब और किसने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया? तो एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था, जो इस प्रकार है। आइए इसको समझें। पादप जगत, जी हाँ, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पूरे पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेमस, और दूसरा है पुष्पोद्भिद यानी कि फेनरोगेमी। तो अब चर्चा कर लेते हैं अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेमस। तो अपुष्पोद्भिद, इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है, और इसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा शामिल है। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल हैं। इस सभी पर हम चर्चा विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले पादप जगत के स्ट्रक्चर को ढंग से समझ लें, उसके बाद इसके हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा जरूर करेंगे हम। अब हम बात करते हैं पादप जगत के दूसरे पार्ट पर, पुष्पोद्भिद यानी कि फेनरोगेमी। अब इसमें ये जान लेते हैं कि पुष्पोद्भिद किसे कहते हैं। देखिएगा, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, और इस समूह के सभी पौधों में फल, फूल तथा बीज होते हैं। पुष्पोद्भिद या फेनरोगेमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कैसे पौधे आते हैं? देखिए, जो नग्नबीजी होते हैं या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पौधे वृक्ष, झाड़ी या पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लंबे भी होते हैं, और ये मरुद्भिदी टाइप के होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। और इसके अलावा आवृतबीजी, जो पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगेमी का दूसरा पार्ट है, वो है आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इन पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट, और दूसरा है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट किसे कहते हैं? उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक पत्र होता है। मोनोकॉट के अंतर्गत जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सुपारी, लहसुन, ये सभी शामिल हैं। और इसके अंतर्गत, इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म का दूसरा पार्ट है, द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। इस वर्ग में वह पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके अंतर्गत जैसे कि दलहनी फसल, टमाटर, सेब, और इसके अलावा तरबूज, नींबू और गुड़हल, कपास, मूली, ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जी हाँ, अपुष्पोद्भिद पौधा यानी कि क्रिप्टोगेमी
से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, जो जो प्रश्न बनेंगे उस पर पूरे प्रश्न पर चर्चा किया जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, आपुष्पोद्भिद पौधे से क्या बन रहा है, किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। उत्तर होगा क्रिप्टोगेमस। अगर स्ट्रक्चर आपने ढंग से समझ लिया है तो यहां के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वनस्पत जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। उत्तर होगा थैलोफाइटा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए, वनस्पत जगत के किस वर्ग में संवाहन ऊतक नहीं पाया जाता है। उत्तर होगा थैलोफाइटा। प्रश्न नंबर चौथा देख लीजिए, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फाइकोलॉजी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखिए, कौन सा शैवाल भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तर होगा पोरफायरा शैवाल तथा नॉस्टॉक शैवाल, ये भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर छठवां देख लीजिए, लैमिनेरिया शैवाल का उपयोग बताइए। उत्तर होगा आयोडीन के रूप में तथा भोजन के रूप में लैमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लीजिए, अनुसंधान कार्यों में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला एसिटिबुलेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आठवां देख लीजिए, नॉस्टॉक एनाबीना जो शैवाल है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो नॉस्टॉक और एनाबीना शैवाल खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोस, पादप जगत से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको कर लीजिए आप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी महत्वपूर्ण है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।